हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि स्टॉक मार्केट से लोग कितना डरे हुए रहते हैं। आज के डेट में मैक्सिमम लोगों को आप पूछिए कि स्टॉक मार्केट में हमें पैसा डालना है, हम क्या करें, किसी से आप एडवाइस लीजिएगा तो मैक्सिमम लोग ये बोलता है कि स्टॉक मार्केट से आप दूर रहिए। क्यों स्टॉक मार्केट से दूर क्यों रहना है? अरे स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ लिस्टेड है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसे लगे हुए हैं, अरबों रुपये वहाँ लगे हुए हैं। फिर वहाँ पे वो जहाँ पे पैसे का समुंदर है वहां पे सारे लोग बोलते हैं कि भाई यहां से दूर रहो। क्यों? पैसा जहां पे लगा हुआ है पैसा तो हमें वहीं से मिलेगा ना, फिर हम क्यों भागते रहते हैं, क्यों भाग रहे हैं? तो उन लोगों की वजह से जिसकी वजह से हम भाग रहे हैं, वो वैसे लोग हैं जिन्होंने अटपटा सा कुछ काम किया, उनका पैसा का नुकसान हुआ और फिर 10 जगह लोगों को फैला दिया कि भाई वहां पे मत जाओ। अरे भाई ये बताओ, अगर आप समुंदर में जब जाओगे, बिना समुंदर छोड़िए सिंपल एक नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो नदी के बारे में जब तक आपको तैरना नहीं आता है, अगर आप गोता लगाएंगे तो क्या हालत होगा? नुकसान ही होगा ना। इसमें स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, लेकिन बेसिक चीज़ अगर आप जान कर अपना कुछ कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी, जैसे कि आप राधाकृष्ण दमानी को ले लीजिए, क्या वो ग्रेजुएट भी नहीं है? उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हाँ एक ट्रेड करने का, एक इन्वेस्टमेंट करने का उनके पास एक तजुर्बा था। शुरू से उन्होंने स्टार्ट किया और आज के डेट में उनके पास $1 बिलियन के वो मालिक हैं जो आज डीमार्ट उन्होंने खोल कर रखा है। तो ये इसलिए है क्योंकि उनके पास एक इंटरेस्ट है, एक सोच है कुछ बड़ा करने का, कुछ अच्छा करने का, और इसलिए वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने किया और ट्रेडिंग उन्होंने किया, उन्होंने भी ट्रेडिंग किया, उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया और इस तरीके से उन्होंने धीरे 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 करते 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 आज के डेट में वो बिलियनर हैं। तो बिलियनर हैं तो बिलियनर बनने के लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा। बिलियनर बनना ऑफकोर्स इतना आसान नहीं है, बट कोशिश अगर हम करेंगे तो शायद कोई ना कोई तो बनेगा ही। बिलियनर तो आज भी बन रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग बन रहे हैं, मिलियनर बन रहे हैं, बिलियनर बन रहे हैं, लेकिन लोग बन रहे हैं। लेकिन जैसे हम स्टेप लेंगे, जैसे हम इनिशिएटिव लेंगे, जैसे हम कोशिश करेंगे, वैसे ही हम बनेंगे। अगर हम छुपे छुपे रहे, हम बोले अरे पता नहीं स्टॉक मार्केट में बहुत रिस्की है, हमको नहीं जाना है। रिस्की है, रिस्की तब है जब आप बिना सोचे समझे किसी स्टॉक में आप घुस गए, सोचे समझे फ्यूचर और ऑप्शन में घुस गए, जो कि फ्यूचर और ऑप्शंस में पैसे लोग बहुत तेज़ी से कमाता भी है और बहुत तेज़ी से गंवाता भी है। तो फ्यूचर और ऑप्शंस में तो अभी फिलहाल आप भूल के भी कोई मत जाइए, क्योंकि पढ़ने और समझने के बाद भी फ्यूचर और ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है, 90% लोगों को नुकसान होता है। तो जिस और उसी में लोग ज़्यादा लोग पैसे भी बनाते हैं, तो उसी के लालच में बहुत सारे लोग जाते हैं फ्यूचर ऑप्शंस में और अपने अपने बहुत सारे नुकसान करते हैं। और उसमें से ही बहुत सारे लोग जो है लोगों को ये बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में कभी नहीं जाना है, बहुत ही उसमें लॉस होता है, एक जुआ है। फ्यूचर ऑप्शंस जो है जुआ की तरह ही है, आएगा तो ज़बरदस्त आएगा और जाएगा तो ज़बरदस्त जाएगा। तो ऐसा काम क्यों करना है? क्यों, क्या इतना प्रॉफिट की जरूरत नहीं है? आप अगर साल का 15% भी अगर आप निकाल पा रहे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। तो कैश मार्केट है वो, कैश मार्केट, कैश सेगमेंट में अगर आप जाते हैं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, किसी भी कंपनी में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप आराम से इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप कुछ भी करना है आपको स्टॉक मार्केट में, आप आराम से जा सकते हैं। आपको उसमें एक छोटी सी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना है वो जानिए, और आपको आराम से उसमें प्रॉफिट भी आएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। आपके पैसे उसमें ऑफ कोर्स फ्यूचर ऑप्शन की तरह नहीं बनेंगे आपको प्रॉफिट, लेकिन जो भी प्रॉफिट बनेगा, अगर 1 लाख का सपोज कोई, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 लाख का आपको 1,10,000 1 महीने में हो सकता है। कैश सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 1 लाख का 1,10,000 अगर साल महीने में मिलता है, क्या खराब है? लेकिन हमेशा नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जो 1 लाख 1,10,000 भी कमाते हैं महीने में। तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप जाने जान के करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, होना ही है, क्योंकि इतने लोग कमा रहे हैं पैसे, बहुत सारे लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं, ट्रेडिंग से कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं? मैं भी यूज़ करता हूँ, इवन आई एम अर्निंग, सो आप भी कर सकते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक आइडिया जो हैं, कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट जो है आप इस्तेमाल कीजिए, बस दैट्स इट।
और इसके लिए मैं भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप आराम से ट्रेडिंग घर बैठे आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छे खासे आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको हर चीज़ आपको मिलेगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानना है, एक्स्ट्रा चीज़ समझना है तो भी आप लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं अर्न कर सकता हूं तो आप भी अर्न कर सकते हैं। थैंक यू।